नमस्कार, फर्स्ट बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुनिधि। बिहार में कल यानी कि 25 फरवरी का दिन राजनीतिक दृष्टिकोण से सुपर शनिवार रहा। एक ओर जहां महागठबंधन ने महारैली का आयोजन करके बीजेपी पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी महागठबंधन को कहीं का नहीं छोड़ा। बापू सभागार में आयोजित किसान समागम में बीजेपी के राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने लालू प्रसाद यादव को बड़ी चेतावनी दे डाली। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने अगर अपनी जहरीली जुबान बंद नहीं रखी तो अभी तो इतने ही मुकदमे झेले हैं और भी मुकदमे झेलने पड़ेंगे। इसके बाद उन्होंने दावा किया कि बिहार में बना महागठबंधन पूर्णिया में असुद्दीन ओवैसी को रोकने के लिए था, न कि बीजेपी को रोकने के लिए। उन्होंने कहा कि हाल के उपचुनाव से पता चला है कि लोग सीएम नीतीश कुमार में विश्वास खो रहे हैं। वो दिन गए जब मंडल आपके साथ था और कमंडल हमारे साथ। अब मंडल और कमंडल दोनों हमारे साथ हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि विपक्षी एकता एक मरे हुए घोड़े की तरह है, लाख कोशिशों के बाद भी नहीं भागेगा। उन्होंने कहा कि कोई आरक्षण को खत्म नहीं करने जा रहा। वह बोले कि पीएम नरेंद्र मोदी अकेले हैं और विपक्ष के कई चेहरे हैं। नीतीश को याद रखना चाहिए कि भारत की आम जनता गरीब के बेटे मोदी के साथ है, चिराग पासवान हमारे साथ हैं। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार का क्या हुआ जब उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा, वह दो सीटों से हार गए थे। इस बार उनके पास जीरो स्कोर कार्ड होगा। क्या आप एक विनम्र सरकार चाहते हैं या वो जो चीन की आंखों की रोशनी का सामना कर सके? उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में अराजकता का बोलबाला है, नीतीश बेबस बन गए हैं। उन्होंने कहा कि चाचा और भतीजा बिहार की कीमत पर खेल खेल रहे हैं। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि आज देश में पीएम मोदी से बड़े कद का नेता कौन है? क्या किसी ने सोचा था कि 370 कभी जाएगा? क्या किसी ने सोचा था कि कभी राम मंदिर बनेगा? नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए उन्होंने आगे कहा, वो अमित शाह के आने पर हर बार उन्हें दोष देते हैं। दंगाई उस जगह से भाग जाते हैं जहाँ अमित शाह जाते हैं। सभी दंगाई पिछली बार शाह के पूर्णिया में होने पर भाग गए थे। जहाँ नीतीश और महागठबंधन के अन्य नेता जाते हैं, वहीं पीएफआई और दंगाई जमा हो जाते हैं। उन्होंने कहा, याद रखें कि कैसे पीएफआई चरम पर था और नीतीश अपने समय का आनंद लेने में व्यस्त थे। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।